बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में हिंदू पुत्र संगठन के साथ विभिन्न सेवा दल एवं संगठनों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 29 सितंबर को देवरिया कोठी में होने वाले विराट हिंदू समागम धर्म सभा को सफल बनाने के लिए सभी सनातनी के उपस्थिति होने पर चर्चा हुई, जहां मंदिर के महंत अभिषेक पाठक, हिंदू पुत्र संगठन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ ठाकुर, जिलाध्यक्ष अभिमन्यु पांडे, ब्रह्मा बाबा पूजा समिति के अमन ठाकुर, सरवन कुमार, विशाल कुमार, अमन कुमार, विकास कुमार, महाकाल दल के आकाश चौधरी, योगी अभिषेक, वंदे मातरम सेवा दल के राजीव सत्यम सहित कई लोग शामिल हुए। आज का जो बैठक है वो बाबा गरीबनाथ जी के प्रांगण में किया गया है और हिंदू पुत्र संगठन की ओर से समस्त हिंदू महासभा का सम्मेलन होने जा रहा है अपने बिहार मुजफ्फरपुर में देवरिया कोठी के धरती पे और बाबा गरीबनाथ के नगरी में। बहुत ही खुशी की बात और समस्त हिंदू भाइयों से मेरा आग्रह है कि इस हिंदू महासम्मेलन को ऐतिहासिक सम्मेलन बनाने का कृपा करें और अपने हिंदू का हिंदुत्व का परिचय दे, अपने सनातनी का परिचय दे, ताकि ये गूंज पूरे देश विदेश में गूंजे कि बिहार मुजफ्फरपुर में भी कोई जिला है जो पूरे देश के लिए है और देश पे ही समर्पित जिला है ये। और जितने भी हमारे सेवा दल वाले हैं, संगठन वाले हैं, हिंदू संगठन संस्था वाले हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि देवरिया कोठी 29 तारीख को सुबह 10 बजे तक जरूर पधारे। उनका हार्दिक स्वागत करने के लिए हम समस्त सनातनी वहाँ मौजूद रहेंगे। आज के बैठक में हम लोग सहसहमति से हुआ कि हर एक संगठन के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के यहाँ होने वाले आगामी 29 मई 2024 पारू प्रखंड के देवरिया में हिंदू महासमागम का आयोजन हो रहा है, उसमें सभी संगठन के लोग शामिल हो, हर हिंदू उपस्थित हो, ये सुनिश्चित हुआ है। आज का बैठक हम लोग इसलिए रखे हुए थे कि आगामी 29 तारीख को विराट हिंदू समागम का आयोजन पारू प्रखंड के देवरिया गंडक प्रोजेक्ट मैदान में किया जा रहा है, जिसमें बिहार के जो भी हिंदू संगठन के प्रमुख लोग हैं उन सभी का आगमन सुनिश्चित हुआ है। इसी के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ गरीब स्थान मंदिर के प्रांगण में बैठक रखे हैं। उस बैठक में जो भी अपने मुजफ्फरपुर जिला के महाकाल सेवा दल, वंदे मातरम जो सेवा दल है, ब्रह्म बाबा पूजा समिति के जो भी अध्यक्ष लोग हैं, उन सब लोगों को निमंत्रण दिया गया है ताकि वो लोग भी आए और इस धर्म सभा के आयोजन को सफल बनाए। क्या कुछ रणनीति तय हुई है? वहाँ रणनीति यही तय हुई है कि सब लोग अपने अपने दल के साथ वहाँ उपस्थित होंगे और उपस्थित होकर कार्यक्रम का को सफल बनाएंगे। कार्यक्रम 29 तारीख को 2 बजे से है, उसके पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जिसमें भोजपुरी के भजन कलाकार शिवेश मिश्रा का भी आगमन हो रहा है। जो आयोजन किया जा रहा है, जो कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य क्या कुछ है? कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो आए दिन भारत में जो जिहाद बढ़ रहा है, जैसे लव जिहाद, आहार जिहाद और जो भी धर्म के प्रति कुठाराघात पहुँचाया जा रहा है, अपने सनातन जो धर्म है उसके प्रति कुठाराघात पहुँचाया जा रहा है, उसी के विषय में हम लोग रखे हुए हैं कि ताकि हिंदू एकता का लोग। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।